हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया एक धमाकेदार और एक बहुत ही शानदार सेशन। दोस्तों, इस सेशन में हम दोस्तों पॉलिटी में दोस्तों राष्ट्रपति को दोस्तों कैसे पढ़ते हैं, राष्ट्रपति को पढ़ने के लिए दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक उसको लेकर आया हूँ। दोस्तों, तो उसको शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इसके सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, आप नीचे जाएंगे और यहाँ पे इस चैनल का नाम लिखा हुआ उत्कर्ष मैथ पॉइंट। सबसे पहले उत्कर्ष मैथ पॉइंट को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे अगली वीडियो जो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर उसके बाद में हम करते हैं आप सेशन को शुरू। तो चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रपति एक बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों। जो राज्य व्यवस्था होती है हमारी पॉलिटी, इसमें दोस्तों हर बार एग्जाम में से राष्ट्रपति में से दोस्तों बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति दोस्तों एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लंबा चैप्टर है दोस्तों, तो आसानी से याद नहीं हो पाता। इसके अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल होते हैं, उनको दोस्तों लगभग बार आप जितना बार याद करते हो फिर उसके बाद में भूल जाते हो दोस्तों। तो इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक होती है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक से आप बहुत ही अच्छी तरीके से आसानी से इसको याद कर सकते हो। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, की शॉर्ट ट्रिक क्या है, उसको कैसे याद करें, ये उसके डिटेल दोस्तों, उन ट्रिक के जो आर्टिकल आते हैं उनसे आर्टिकल, और फिर उसके बाद में जो उसकी डिटेल होगी वो सभी दोस्तों मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताऊंगा। तो अब शुरू करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 से 62 तक बताया गया दोस्तों। इस अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। अब इसके बारे में दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने बनाई कि पूरा इसमें राष्ट्रपति, संपूर्ण राष्ट्रपति आ जाएगा इसमें से। पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महारथी। दोस्तों, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप फिर से देखेंगे दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ एक बार फिर से, पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महारथी। दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब इस शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिटेल बताऊंगा, इस शॉर्ट ट्रिक में आप कैसे कैसे अनुच्छेदों को ऐड कर सकते हैं, किस जगह कौन सा अनुच्छेद काम आएगा, कौन सा अनुच्छेद किस जगह लगेगा दोस्तों इस ट्रिक के में। और इसको आपको बार बार बोलना होगा, पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महारथी, मेरे साथ साथ बोल लीजिए दोस्तों आप, पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महारथी, जिससे दोस्तों आप जितनी बार इसको बोलेंगे उतनी बार आपको ज्यादा बार याद होगी दोस्तों। तो अब मैं इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं दोस्तों। अब आप शुरुआत करेंगे दोस्तों, जैसे इसमें देखेंगे दोस्तों, पका, पका से आप ऐड करेंगे पैसे दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद आ गया इसमें 52, जैसे अनुच्छेद यानी पद, इसमें राष्ट्रपति का पद आ गया दोस्तों। अब का में चलेंगे अनुच्छेद 53 दोस्तों, ये अनुच्छेद 53 आ गया, इसमें राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियां हो जाएंगी। अब ये आएगा चुन, इससे आएगा आपका आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 दोस्तों, चुनाव यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव। और अब आ गया नेरी, इसके निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, अनुच्छेद 55 से रिलेटेड दोस्तों, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये काम में आएगा अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। पुनर, इस ये अनुच्छेद दोस्तों, इसमें मैं लिख रहा हूँ जैसे आप 56 है तो ये 56वां अनुच्छेद है, और ये आगे 57, इसमें राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया। योग, इसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 58 में, इसमें राष्ट्रपति की योग्यताएं। शर्त, अनुच्छेद 59, इसमें राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति बनने की शर्त है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए एक व्यक्ति को क्या क्या शर्तें होनी चाहिए दोस्तों, तो वो शर्तें अनुच्छेद 59 के अनुसार दी गई होती हैं दोस्तों, तो इसमें अनुच्छेद 59 शर्त में आ जाएगा। अब शपथ, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 में दोस्तों शपथ के बारे में कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, कैसे मिलते शपथ, ये सभी राष्ट्रपति। और अब चलते हैं अनुच्छेद महारथी, महारथी में महा से दोस्तों आप देखेंगे महाउपयोग, अनुच्छेद 61, इसमें महाउपयोग आ जाएगा। और दोस्तों रथी यानी रिक्ति दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 62 में, यानी कि राष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो जाता है तो उसको कितने महीने के अंदर भर दिया जाना चाहिए दोस्तों, ये सभी दोस्तों इसमें समझ लेंगे आप। पका, अब दोस्तों इसको एक बार फिर से देखते हैं, जैसे पका से दोस्तों पैसे आप अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति का पद का से अनुच्छेद 53 में, राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति, चुनरी राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति का चुनाव, नेरी यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन, का यानी 56 के अनुच्छेद 56 में का यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल, पुनर में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 में, योग्यता अनुच्छेद 58 में, और शर्त यानी राष्ट्रपति बनने की शर्त अनुच्छेद 59 में, शपथ अनुच्छेद 60 में, महाअभियोग दोस्तों 61 में, और रथी यानी रिक्त स्थान बनने के लिए अवधि ये 62 में अनुच्छेद। इसको आप दोस्तों बार बार, इसको बार बार बोलेंगे अनुच्छेदों को इसके रिलेट करेंगे दोस्तों, इससे पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महारथी, पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महार, इसे बार बार बोलेंगे अनुच्छेदों को साथ में दोस्तों, ऐसे लिख लेंगे मेरी तरह, और जिसे आपको ये बार बार आप कॉपी में लिखेंगे इसको तो आपको याद जरूर होगा, नोटबुक में इसको जरूर 2-4-5-6 बार जितनी बार भी लिखेंगे दोस्तों, ये एक
थोड़े समय का टॉपिक। और दोस्तों आपको ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको थोड़े समय में याद करने के लिए दोस्तों ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, दोस्तों ये बहुत ही शानदार ट्रिक है परीक्षा की दृष्टि से, तो अच्छी तरह से याद करें दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों डिटेल्स। अब देखते हैं राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52। दोस्तों ये अनुच्छेद 52 है, इसमें राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया। दोस्तों यूएसए से लिया गया राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। दोस्तों राष्ट्रपति में, दोस्तों अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित, यानी कि सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है। दोस्तों विधि के तहत संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। दोस्तों ये ब्रिटिश महारानी की तरह होता है, दोस्तों ब्रिटिश महारानी दोस्तों उसको वो सर्वोच्च होती है वहां पे ब्रिटेन में। और वास्तविक रूप से संघ का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जो यूएस प्रेसिडेंट की तरह होता है। दोस्तों इसमें अनुच्छेद 53 में राष्ट्र संघ के कार्यपालिका सभी शक्तियां राष्ट्रपति में नियुक्त होती है, यानी कि राष्ट्रपति ही सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति के माध्यम से जितने भी दोस्तों एमओयू एमए दोस्तों जितने भी संधि ये सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों? प्रथम निर्वाचन हुआ था 1952 में। अब ये निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, निर्वाचन मंडल द्वारा इसका चुनाव होता है। और इसमें निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं दोस्तों? इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें, यानी कि ये सब मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं दोस्तों। इन सभी से मिलकर जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित, ये सभी मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और दोस्तों इसमें इन सभी के द्वारा राष्ट्रपति, और सबसे पहले 1952 में प्रथम निर्वाचन हुआ था राष्ट्रपति। नेक्स्ट अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से हुआ? ये आयरलैंड से ली गई है दोस्तों विधि। ये विधि एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, इसके माध्यम से दोस्तों एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या होती है, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन। और ये कहां से ली गई ये भी पूछ लिया जाता है कि ये आयरलैंड से ली गई, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 55 में। आपको ट्रिक के माध्यम से दोस्तों ये बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से याद हो जाएगा, और इसकी डिटेल आपके सामने ये है। अनुच्छेद 56 में चलते हैं। अनुच्छेद 56 में क्या है? इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल है। दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? ये इसके बारे में बताया गया। राष्ट्रपति अगर दोस्तों शपथ ग्रहण से 5 साल तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और दोस्तों 5 साल तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और त्याग पत्र किसे दे सकता है? जैसे दोस्तों बीच में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे, या फिर तो अपना राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 57 के तहत दिया गया। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति पद के योग्य, यानी कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, इसके लिए योग्यताएं क्या होंगी, ये अनुच्छेद 58 में दी गई दोस्तों। और ये योग्यताएं दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों, वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु, यानी कि राष्ट्रपति के लिए कितनी आयु चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पर, यानी कि कोई भी लाभ, यानी कि जो सरकार के लाभ के पद होते हैं उन पे ना हो दोस्तों, साक्षर होना चाहिए, यानी कि उसे लिखना पढ़ना आना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों पागल या दिवालिया नहीं हो दोस्तों, यानी कि दिवालिया बैंक करप्ट वगैरह ये नहीं हो, पागल नहीं हो दोस्तों, उस पर कोई केसेस वगैरह। और दोस्तों लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, यानी कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता अगर कोई व्यक्ति रखता है तो उसे ही राष्ट्रपति बनाया जाता है। यह अनुच्छेद 58 के तहत है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए इस अनुच्छेद को। नेक्स्ट अनुच्छेद 69 दोस्तों, राष्ट्रपति कार्यालय की शर्त, यानी कि अब राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति का कार्यकाल कार्यालय कहाँ होना चाहिए दोस्तों, इसके बारे में शर्त है दोस्तों। राष्ट्रपति राजधानी सर्वोच्च न्यायालय के समीप इसका कार्यालय होना चाहिए, यानी कि हाईकोर्ट या फिर राजधानी होती है, जैसे जैसे राजधानी होती है राज्य, देश की राजधानी होती है, उसके समीप ही राष्ट्रपति का कार्यालय होता है, जिससे ताकि जल्दी से राष्ट्रपति अपना कोई डिसीजन ले सके आराम से। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, राष्ट्रपति संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, यानी कि संसद दोस्तों लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर, यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा किसी का भी सदस्य नहीं होता दोस्तों। इसके वेतन एवं भत्ते में कमी नहीं की जा सकती दोस्तों। और यात्री भत्ता और सरकारी आवास दोस्तों ये राष्ट्रपति को दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन दोस्तों हमारे दिल्ली में रायसीना हिल्स में, वो राष्ट्रपति दिया जाता है। सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में पूछ लेते हैं कि रायसीना जो हिल्स है राष्ट्रपति भवन उसको सबसे पहले का दोस्तों, ये पहले वाइसराय हाउस हुआ करता था, वाइसराय हाउस, और इसमें सबसे पहले वाइसराय लॉर्ड विरिन दोस्तों, पहला वाइसराय था लॉर्ड विरिन, जिसने इसमें जो सबसे पहले इस
बनने के बाद में इसने इसमें शासन किया दोस्तों राष्ट्रपति से। लॉर्ड इरविन का दोस्तों वाइस हाउस हुआ करता था, अब वो राष्ट्रपति भवन कहलाता है। अब चलते हैं अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति की शपथ। दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का महाअभियोग। दोस्तों राष्ट्रपति का महाअभियोग मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति का महाअभियोग अनुच्छेद किस के लगा। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जाता है दोस्तों। इसमें 14 दिन पहले राष्ट्रपति को खबर की जाती है दोस्तों, और राष्ट्रपति महाअभियोग। और दोस्तों इसमें जो आर्टिकल 76 के तहत, 76 के तहत तो भारत का महान्यायवादी होता है दोस्तों, वही राष्ट्रपति की वकालत करता है दोस्तों इसमें अनुच्छेद। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 62, यानी कि राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः 6 महीनों के भीतर भर देना चाहिए। यानी कि ये जो महारथी में तो था, महाअभियोग रथी में तो रिक्त पद है, यानी कि राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाता है तो उसको कितने महीने के अंदर, यानी कि 6 महीने के अंदर अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी वजह से किसी भी कारण से रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर भर देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब ये राष्ट्रपति के हो गए दोस्तों। अब इसकी जो दोस्तों मैंने आपको बताया था ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक के हिसाब से मैंने बता दिया है आपको। जैसे ट्रिक बताई थी पक्का चुनरी का पुनर्योग शर्त शपथ महारथी, दोस्तों इसमें आपको हर एक अनुच्छेद को हर वर्ड के अनुसार मैंने बताया, उसको आपको नोटबुक में बार बार लिखना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। जितनी बार आप बोलोगे आपको चित्र से, और डिटेल्स दोस्तों मैंने आपको बताई दी है शाम को, वीडियो को बार बार देखे दोस्तों, रिवाइज करिए। और दोस्तों आज की वीडियो में इतने, अब नेक्स्ट वीडियो जो भी लेके आऊंगा दोस्तों ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक और शानदार ट्रिक दोस्तों, आपको परीक्षा के ओरिएंटेड जो भी होगी मोस्ट जो टॉपिक होगा उसके एक और मैं ट्रिक और फिर से लेके आऊंगा दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को बताएं, शेयर किए। और ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, और चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चला दे रहे।